नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। तो निशा शर्मा के केस में लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अगर इस वक्त अपडेट की बात करें तो आपको बता दें कि निशा शर्मा का केस हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इस बात का खुलासा खुद निशा के मामा पवन शर्मा कर चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने हाल ही में एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया और इस दौरान उन्होंने जहां ये बताया कि निशा शर्मा का केस हाईकोर्ट पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने शुजान खान के बाद अब उनके परिवार का भी पर्दाफाश कर डाला है। दरअसल आपको बता दें, इंटरव्यू के दौरान शुजान खान और उनके परिवार को लेकर पवन शर्मा ने कहा कि शुजान के परिवार का काला चिट्ठा तो वसई कोर्ट में हुई सुनवाई के वक्त ही खुल चुका था। हालांकि शुजान की जमानत याचिका को रद्द करने का फैसला कोर्ट में जब आया तो ये तो निशा शर्मा के केस में पहली जीत थी, लेकिन हम इतने में ही संतुष्ट नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि जो इंसाफ निशा को वसई कोर्ट से नहीं मिल पाया वो हाई कोर्ट से जरूर मिलेगा। इसके साथ पवन शर्मा ने ये भी कहा कि निशा शर्मा के केस में वकील अब शुजान के परिवार के खिलाफ कई सबूत खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो निशा को लेकर शुजान के परिवार ने जो भी आरोप निशा की मां पर लगाए हैं वो सब भी बेबुनियादी हैं, ये साफ हो जाएगा। इसके साथ पवन शर्मा ये भी कहते हुए नजर आए कि जो गलत आरोप यहां पर निशा की मां पर शुजान के परिवार ने लगाए हैं उसे लेकर अब कोर्ट की तरफ से जल्द ही कोई कड़ा फैसला आने वाला है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि शुजान के परिवार का काला चिट्ठा तो पहले ही खुल चुका है, अब तो बस हाई कोर्ट से शुजान और उनके परिवार के खिलाफ कड़ा फैसला आने का इंतजार किया जा रहा है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अगली सुनवाई में शुजान खान के साथ साथ उनके परिवार को लेकर भी कोर्ट का कोई कड़ा फैसला आएगा। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही, बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।